हेलो एवरीवन वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास और जितने भी मेरे क्लास टेंथ के बच्चे हैं जल्दी से क्लास के अंदर जुड़ जाएं और जितने नए बच्चे हैं जो आज पहली बार इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं हेलो हाय हाउ आर यू माय नेम इज़ निकिता एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर सो वील बी प्रिपेयरिंग फॉर आर क्लास टेंथ सी बी टर्म टू एग्जाम्स टुगेदर ठीक है और मैं आपको जल्दी से बता दूं कि देखो ये हमारा आज का जो हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम क्या है? आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो बुक है इस बुक के अंदर जो आपका टर्म टू का सबसे पहला चैप्टर है वो है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट ये वाला चैप्टर है अब इस चैप्टर को हम लोगों ने रीड करना स्टार्ट कर दिया था पढ़ना शुरू कर दिया था समझना शुरू कर दिया था इसका पार्ट वन हो चुका है पहले ठीक है और पार्ट टू भी इसका हो चुका है बीच में मैंने एक इंटरेस्टिंग सा क्विज सेशन भी आप लोग के लिए किया था सो so आप जाकर के वो वाले लेक्चर्स भी देख सकते हो अब ये है आपका पार्ट थ्री एक्सप्लेनेशन का एक्सप्लेनेशन पार्ट है ये ठीक है सो ये पार्ट नंबर थ्री है अब इसके अंदर हम लोग क्विकली आज इसको भी खत्म कर देंगे और इसी के साथ हमारा पूरा लेक्चर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट खत्म हो जाएगा आई नो बहुत ही लंबा लेंथी चैप्टर है एंड सम वॉट बोरिंग है है? इतना इंटरेस्टिंग नहीं क्योंकि एक नॉर्मल कहानी नहीं है जो अभी तक हम लोग कहानी पढ़ते आए हैं जिसकी हमें आदत होती है वो वाली कहानी नहीं है ये कि एक लड़का था वो ऐसे गया उसके साथ ये हुआ फिर ये हुआ नहीं हम एक्चुअली एक प्रोसेस पढ़ रहे हैं कि वो प्रोसेस क्या है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट हाउ A little kid became a scientist, well known, well known scientist. है ना कैसे एक छोटा सा बच्चा एक बहुत ही जाना माना साइंटिस्ट बना और उसने अपनी लाइफ में बहुत धूम मचाई मतलब इतने बढ़िया बढ़िया से हमारे सामने उसने डिस्कवरीज करी ठीक है so, सो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है साइंटिस्ट के बारे में है साइंस की दुनिया के बारे में है बहुत सारे फैक्ट्स उनकी लाइफ की स्टोरी हमें पढ़ने को मिल रही है सो इट इज नॉट दैट इंटरेस्टिंग बट हाँ चाहे लगे मज़ा आए ना आए बट कई बार पढ़ना तो पड़ता ही है क्योंकि एग्जाम में आने वाला है और मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के लिए चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग बना सकूं ठीक है so सो हम लोग शुरू करते हैं अब हमने पार्ट वन और पार्ट टू को मिला करके क्या पढ़ा था हम पढ़ चुके हैं उनके बचपन के बारे में कि वो कैसे जो है बचपन से ही उनका इंटरेस्ट था साइंस में कैसे उनकी मम्मी उनकी हेल्प करती थी और उनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती थी इंकरेज करती थी और साथ ही साथ हमने ये पढ़ा कि कैसे उन्होंने अपना एनरोलमेंट हुआ उनका कहाँ पर काउंटी साइंस फेयर में उनका जो रीजनल साइंस फेयर था उसके अंदर वो पहली बार हार भी गए थे क्योंकि बाकी बच्चे क्या कर रहे थे बाकी बच्चे अपने बढिया बढ़िया से रियल एक्सपेरिमेंट्स दिखा रहे थे और वहीं पर हमारे जो रिचर्ड ई ब्राइट हैं जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो क्या कर रहे थे वो कुछ भी नहीं कर रहे थे वो उन्होंने केवल फ्रॉक टिश्यूज़ की मस्त सी एक स्लाइड बना करके रख दी और हार गए भाई है ना एक नीटली डिस्प्लेड स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे फ्रॉग टिश्यूज को देख करके कोई इसको साइंस एक्सपेरिमेंट का नाम तो दे नहीं सकता और जितवा तो सकते नहीं है जाहिर सी बात है क्या होगा भाई जो दूसरा बच्चा जो एक अच्छा सा रियल एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो फर्स्ट प्राइज जीत जाएगा और वही हुआ कि ही लॉस्ट दैट पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन ठीक है वो जो कॉम्पिटिशन था वो हार गए थे उसके अंदर तो यहाँ पे ये कुछ हुआ बट उन्होंने समझ में आ गया था उनको कि मुझे एक रियल एक्सपेरिमेंट करना होगा सो so उन्होंने बहुत कोशिश करी उन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं अपने जो हमारे डॉक्टर फ्रेडरिक थे जिन्होंने उनकी लाइफ में उनको काफ़ी ज्यादा क्या किया था उनके आ, उनको इंटरेस्ट पैदा किया था उनके अंदर और मतलब इंटरेस्ट पहले से था हमारे आ, रिचर्ड के अंदर कि वो बटरफ्लाईज को लेकर के बटरफ्लाईज कलेक्ट करना बट हमने पढ़ा इस चैप्टर के अंदर कि उनकी मम्मी उनको एक बुक ला करके देती हैं जिसका नाम होता है ट्रेवल्स ऑफ एक्स और उस बुक के लास्ट में एक रिसर्च प्रोग्राम होता है जिसमें जाकर के वो अपना एडमिशन करवाते हैं और उस रिसर्च प्रोग्राम के जरिए उनकी मुलाकात होती है डॉक्टर फ्रेडरिक से अब वहां पर क्या होता है अब वहां पर यह होता है कि डॉक्टर फ्रेडरिक से काफी कुछ उन्हें सीखने को मिलता है और अल्टीमेटली जब वो काउंटी फेयर में हार जाते हैं तो वो वापस से डॉक्टर फ्रेडरिक को याद करते हैं कि सर मुझे एक रियल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा तभी जाकर के मैं इस फेयर को जीत पाऊंगा साइंस फेयर में जीत पाऊंगा तो डॉक्टर फ्रेडरिक उनकी हेल्प करते हैं बहुत सारे आइडियाज उनको दे देते हैं अब वो अलग अलग आइडियाज पे काम करते हैं एंड अल्टीमेटली क्या होता है अल्टीमेटली ये होता है कि वो जीतते भी हैं उस साइंस काउंटी फेयर में सो यहां यहां तक हमने पढ़ लिया था अब हम आगे बढ़ लेते हैं एक बारी सो so, देखो एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड ई ब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनाक प्यूपा ठीक है अच्छा हाँ मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगी कि उनका जो लास्ट एक्सपेरिमेंट था वो क्या था कि उन्होंने देखा कि मुनाक बटरफ्लाई जो है उसका जो प्यूपा होता है उस प्यूपा के ऊपर ऐसे ट्वेल्व ट्वेल्व गोल्डन स्पॉट्स होते हैं सब लोग बोलते थे कि जो स्पॉट्स हैं वो तो केवल सजावट के लिए हैं डेकोरेशन के लिए हैं बट वो उनका मानना था और हमारे डॉक्टर फ्रेडरिक का मानना था कि वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है उनका कोई रीजन है अब उन्होंने ना एक डिवाइस बनाया यानी कि रिचर्ड ने अपने एक क्लासमेट या फिर आप कह सकते हो अपने फ्रेंड के साथ मिल करके एक डिवाइस बनाया उस डिवाइस से उन्हें पता चला कि ये जो ट्वेल्व स्पॉट्स है ना प्यूपा पे वो एक्चुअली हेल्प करते हैं कि एक ऐसा हार्मोन वो पैदा करते हैं जिससे बटरफ्लाई का फुल डेवलपमेंट हो पाता है So, ये उनका क्या था ये उनका यहाँ पर पूरा पूरा मोटिव था ये उनका एक्सपेरिमेंट था अब वो एक हाई स्कूल जूनियर थे तो रिचर्ड ई ब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट ये जो उनके बहुत ही एडवांस्ड बहुत ही एडवांस्ड के लिए हिंदी वर्ड होता है आधुनिक ना, ahead of time. So, ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे ऑन द मोनाक प्यूपा इस पर वो अपना काम अपने एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने कंटिन्यू रखे That year, his project won first place at the international science fair and gave him another chance to work in the army laboratory during the summer. So, वो जो उनका experiment था उस साल वो क्या हुआ? International science fair में जीत गया, first prize आया। और इसी के साथ उनको एक मौका मिला कि वो army laboratory में काम कर सके during the summer, ठीक है? अब आगे क्या हुआ? कि इन्हें senior year, जब वो अपने senior year में पहुँचे, he went a step further, उन्होंने और ज्यादा यानी कि अपनी लाइफ में वो इतना कुछ करते आए थे बहुत ही छोटी उम्र से उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया था अब सेकेंड ईयर में पहुंचे तो उन्होंने इतना नहीं करना पड़ेगा अपनी लिमिट्स एक बटरफ्लाई के पंख से उसके विंग सेल्स बनाए इन एंड शोड दैट सेल एंड डेवलप इन टू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग दे वर फेड द हॉर्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स आप समझ रहे हैं यहाँ पर बात क्या हो रही है दोबारा से पढ़ते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि देखो अपने सीनियर ईयर में उन्होंने एक स्टेप आगे लिया कि इसके बारे में और फर्दर रिसर्च करनी चाहिए सो ही ग्री सेल्स फ्रॉम अ मोनाक्स विंग इन अ कल्चर एंड शोड दैट द सेल वुड डिवाइड एंड डेवलप हॉर्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट यानी कि वो जो क्या कर रहे थे जो उनका एक्सपेरिमेंट था कि भाई जो प्यूपा होता है जहां से बटरफ्लाई बन के निकलती है उसके ऊपर वो जो ट्वेल्व गोल्डन स्पॉट है वो बहुत जरूरी है वो एक ऐसा हॉर्मोन देते हैं जिससे बटरफ्लाई फुली हो पाती है। अब उन्होंने यहां पर जो सबसे बेसिक और बहुत ही अच्छा से से बटरफ्लाई का लेकर से और उन्होंने ये दिखाया कि भाई जो सेल्स हैं वो डिवाइड होंगे और वो क्या करेंगे वो एक नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल में बदल जाएंगे अगर आप उनको वही हॉर्मोन्स दे देते हो यानी कि ये जो सेल्स हैं ये सेल्स अपने आप एक बटरफ्लाई विंग स्केल में डेवलप हो जाते हैं ये

Okay, so, यहां पर आगे देखो, अब ये ये जो था, ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन एक्सपेरिमेंट था जाहिर सी बात है इस एक्सपेरिमेंट ने उनको फर्स्ट प्राइज दिलवाया था ठीक है इंटरनेशनल साइंस फेयर में स्पेंड द समा आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबॉरेटरी ऑफ द यू एस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सो उनका जो बाकी का गर्मियों की छुट्टियाँ थी ये सब एक्सपेरिमेंट कहाँ हो रहे थे देखो वो कर रहे थे लेबोरेटरी ज्यूरिंग द समर अपनी गर्मियों के समय के दौरान वो लेबोरेटरी में काम कर रहे थे और उन्होंने ये सब डेवलप किया इससे उनको फर्स्ट प्राइज भी मिला और इसी थ्योरी के बाद उन्होंने बाकी का जो अपनी गर्मियाँ हैं वो क्या करा ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने बाकी और काम किया

जो बटरफ्लाई को फुली डेवलप होने में मदद करता है सो so, ये उनको बहुत ही अच्छी चीज मिल चुकी थी और इनके उप, इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर वो बार 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 काम करते चले गए अब क्या हुआ कि आफ्टर ग्रेजुएशन उन्होंने आर्मी लेबोरेटरी में और भी ज्यादा काम किया अब द फॉलोइंग समा उसके बाद आने वाली जो समय थी है ना अपने फ्रेशमैन ईयर के बाद कहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में है ना अपने फ्रेशमैन ईयर के बाद यानी कि अपना शुरुआती साल के बाद वो वापस से चले गए कहाँ पर उसी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लेबोरेटरी में वापस से चले गए और वो जो हार्मोन था ना जो गोल्ड स्पॉर्ट्स वाला ट्वेल्व गोल्ड स्पॉट्स वाला जो हार्मोन था जिसके ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे उस पर दोबारा से काम करना चालू कर दिया यानी कि उन्होंने अपना ना कि हाँ मुझे मतलब आप देख रहे हो कि इंसान क्या करता है यहाँ पे हमें एक चीज सीखने को मिल रही है कि इंसान क्या करता है सक्सेस के बाद जाकर के हम रुक जाते हैं कि हमें एक चीज में सक्सेस मिल गई है देन व्हाई शुड वी वर्क मोर हार्ड है ना व्हाई शुड वी वर्क हार्डर दे इज नो नीड बट यहां पर एक इंसान जो मतलब आप देख रहे हो कि सक्सेस के बाद भी आपको चलते रहना है सक्सेस मिल गई रुकना नहीं है एक चीज में आपने अच्छा कर लिया आप सक्सीड हो गए इसका दैट डजेंट मीन कि यू शुड स्टॉप देर आप वहां पर रुक जाओ इट मीन्स कि आपको और हार्ड वर्क करना है और ये सक्सेस जो है वो कंटिन्यू होती रहनी चाहिए यही चीज़ उन्होंने की उनको एक चीज समझ में आ गई थी हॉर्मोन के बारे में समझ में आ गया था बट ही डिड स्टॉप देयर वो क्या करते गए वो आगे उसके बारे में रिसर्च करते गए करते गए करते गए उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद भी फ्रेशमैन ईयर के बाद फ्रेशमैन ईयर यानी कि फ्रेशर टाइम होता है ना जब हमारा पहला पहला साल होता है कॉलेज में उसके बाद वो दोबारा लेबोरेटरी में गए और उसी हार्मोन के ऊपर वो जो 12 स्पॉट्स जो प्यूपा पे थे वहां से जो निकला था उसी हार्मोन के ऊपर उन्होंने आगे काम किया

अब यहां पर हम आपका कर लेते हैं एक नॉलेज टेस्ट सो आई होप कि सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं क्लास के अंदर एंड दे विल बी एबल एबल टू आंसर दीज फॉलोइंग क्वेश्चन करेक्टली ओके सो जल्दी से नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं आपका और थोड़ा सा स्क्रीन पर ध्यान देकर के करेक्ट आंसर करने की कोशिश कीजिएगा ठीक है एंड करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है सो दैट आई कैन चेक इट है ना मैं उसको चेक कर सकूं हाँ चेक इट बोला मैंने लेकिन इट्स चेक इट ठीक है सो so, मैं उसको चेक कर सकूं ओके okay, हो जाता है यार स्लिप ऑफ टंग कई बार बोलते बोलते चेक निकल जाता है बट इट्स चेक इट ओके ठीक है टॉपिक है हमारा क्विज करना सो so, हम लोग क्विज पर ध्यान दे लेते हैं ओके सो क्विज पर आ जाते हैं एंड आपका पहला क्वेश्चन ये रहा वट क्वालिटीज़ डिड रिचर्ड पोजेस रिचर्ड के अंदर कौन सी कौन सी क्वालिटीज थी इनक्विजिटिव थे इंटेलिजेंट थे विल टू विन क्या उनके अंदर अलग अलग क्वालिटीज थी भाई देखो ज़ाहिर सी बात है अगर एक इंसान के अंदर बेहतरीन क्वालिटीज uh, नहीं होंगी तो सी बात है वो अपनी लाइफ में कभी सक्सीड नहीं कर पाएगा है ना कुछ नहीं पा पाएगा अपने गोल्स को नहीं uh, अचीव कर पाएगा सो so, रिचर्ड के अंदर क्वालिटीज तो बहुत थी और वो क्वालिटीज हमें बचपन से ही दिखी बट कौन सी क्वालिटीज थी वॉज इट इन वॉज ही इनक्विजिटिव वॉज ही इंटेलिजेंट या फिर ही हैड द विल टू विन या ऑल ऑफ द अबव ये सारी की सारी क्वालिटीज थी उनके अंदर सो वॉट इज द करेक्ट आंसर जल्दी से बताओ ये तो बहुत ही ईजी है यार इसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए ना

चीजें याद रहनी चाहिए रिवाइज जो है वो होता रहना चाहिए तो बताओ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जो ई e ब्राइट ने की थी वो क्या थी सेल लाइफ बटरफ्लाई स्टार्स या नन क्या है करेक्ट आंसर चलो हो गया ठीक है और मुझे लग रहा है सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है सो द करेक्ट आंसर इज सेल लाइफ वेरी वेल डन गई स्कूडोज बढ़िया ठीक है चलो So, अब आगे पढ़ लेते हैं तो देखो अब उन्होंने जो है पूरा का पूरा केमिकल स्ट्रक्चर भी पता चल गया था उस हॉर्मोन का तो आगे क्या हुआ अ ईयर एंड अ हाफ लेटर एक और आधे साल के बाद डेढ़ साल के बाद ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर ई ब्राइट गॉड द आइडिया ऑफ फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ सो अपने जूनियर ईयर के बाद यानी कि डेढ़ साल उन्होंने पढ़ाई करी और उसके बाद उनको एक आइडिया आया क्या आइडिया आया उनकी थ्योरी सेल लाइफ को लेकर के अब ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी थ्योरी थी इस थ्योरी का आइडिया उनको कब आया था अपने जूनियर ईयर के बाद सो so, उनको ये आइडिया आया इसकी थ्योरी को लेकर के इट केम ही वाज लुकिंग एट एक्स फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन अब ये आइडिया उनको कब आया जब वो केमिकल स्ट्रक्चर हॉर्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर की एक्सरे uh, फोटोज को देख रहे थे उसको देखते देखते उनके दिमाग में एक आइडिया आया वो आइडिया क्या था सेल लाइफ थ्योरी का आइडिया ठीक है ओके वेन ही सो दो और इवन आई हैव गॉट इट सो जब वो उसको मतलब होता है ना कि हम लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के कि हम कुछ देख रहे हैं देख रहे हैं मतलब वो क्या कर रहे थे ही वाज लुकिंग एट द पिक्चर्स है ना ऑफ व्हाट एक्सरे पिक्चर्स जो हमारे क्या थी हमारे केमिकल स्ट्रक्चर हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर की जो एक्सरे फोटोज थी वो हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर की एक्सरे फोटोज को देख रहे थे और उसको देखते देखते उनके दिमाग चल रहा था और उनके दिमाग में एकदम से सेल लाइफ थ्योरी आ गई

हॉर्मोन्स the हिम द आंसर टू वन ऑफ one हाउ द सेल कैन रीड द can read the ऑफ इट्स डी एन ए अच्छा यहां पर क्या हुआ यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनके दिमाग में प्रोसेस चल रहा था जब वो उस एक्सरे फोटोज को देख रहे थे कि हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है उनके दिमाग में एक थॉट आई और वो थॉट थी हमारे सेल लाइफ को लेकर के तो वो एकदम से एक्साइटेड होकर के चिल्लाई नहीं कि ये मैंने कर दिखाया नथिंग उनके दिमाग में क्या आया उनके दिमाग में ना ये चल रहा था ही बिलीव दैट अलॉन्ग with his फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट्स वो ये चीज मान रहे थे कि हाँ मैंने इंसेक्ट्स के बारे में मैंने बटरफ्लाइज और उसके हॉर्मोन्स के बारे में तो खोज लिया है लेकिन इसी के साथ मैंने क्या कर दिया है द फोटोज गेव हिम द आंसर उस फोटो ने उनको एक और चीज का आंसर दे दिया आप देख रहे हो कि ये क्या था कि वो उस दौरान वो जो पीरियड था जिस पीरियड में वो क्या कर रहे थे वो उस हार्मोन हॉर्मोन केमिकल स्ट्रक्चर को डेवलप करके उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते थे उसको पढ़ते 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 उन्होंने एक ऐसी एक्स्ट्रॉडिनरी चीज को खोज दिया था एक ऐसी डिस्कवरी वो कर चुके थे जो कि बायोलॉजी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग थी जिसका आंसर हमें नहीं पता था और वो क्या था वो आंसर वो क्वेश्चन ये था उस क्वेश्चन का आंसर ई ब्राइट को मिल गया था और वो क्वेश्चन ये था कि सेल जो है वो कैसे रीड कर लेता है डीएनए के ब्लू प्रिंट को

जनरेशन आफ्टर जनरेशन सो उसको कंट्रोल करता है तो यहां पर क्या हुआ था जब ये वो इस चीज की ई ब्राइट जब इस चीज की पढ़ाई कर रहे थे हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को रीड कर रहे थे तो उनको पता चला कि यार मैंने एक ऐसी थ्योरी का एक ऐसे थ्योरी को डेवलप कर दिया है मैंने एक ऐसी खोज कर दी है मेरी फाइंडिंग जो है वो इस पार जा चुकी है एक्स्ट्रा एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन जो बायोलॉजी में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन था जिसका आंसर नहीं मिल रहा था विच वॉज अ पजल टू एवरी वन उसका आंसर कहीं ना कहीं इनको मिल गया था तो इनको क्या हो गया कि उन्होंने कहा कि मैं ढूंढ तो कुछ रहा था बट मुझे कुछ और चीज भी यहाँ पे समझ में आ रही है और वो ये समझ में आ रहा है कि कैसे जो

जिंदगी का ब्लू है यानी कि हमारी जो लाइफ चल पा रही है देखो हम किससे बने हम सेल्स से बने हमारे बॉडी में क्या है सेल्स हैं है ना हम लोग सेल से बने हैं वही क्या होते हैं डिवाइड और ग्रो करते हैं सेल्स तो सेल के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर क्या है डीएनए और डीएनए कैसे काम करता है ना हमारा डीएनए कैसे ट्रांसफर कैसे होता है हेरिडिटी यानी कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन तो सेल कैसे बनता है कैसे फंक्शन होता है है ना तो ये सारी चीजें देखो ये सारी चीजें जो हैं वो क्या हो रही थी वो हमें कहीं ना कहीं उसका आंसर मिलने लग गया था और डीएनए क्या है वो जिंदगी का ब्लूप्रिंट है है ना तो ई ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट ई ब्राइट और उनके साथ कॉलेज में जो उनका रूममेट थे जेम्स आर वोंग इस आंसर इस नाम को जरूर याद रखना ठीक है इस नेम को जरूर याद रखना क्योंकि उन्होंने इन्हीं के साथ मिलकर के एक्सपेरिमेंट जो है कंप्लीट किया था वर्क ऑल दैट नाइट ड्रॉइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन अब क्या हुआ जब उनको ये चीज समझ में आ गई तो ही टोल्ड हिज रूममेट उन्होंने अपने रूममेट को बताया कि भाई मेरे को शायद ना कुछ बहुत ही बड़ी चीज पता चल चुकी है सो so, उन्होंने अपने रूममेट जेम्स आर वॉन्ग के साथ मिलकर के पूरी रात काम किया पिक्चर्स बनाई प्लास्टिक मॉडल्स बनाए मॉलिक्यूल्स के ये दिखाने के लिए कि ये चीज कैसे काम करती है ये कैसे होता है क्योंकि उनको एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी जो है वो कर चुके थे टूगेदर दे लेटर रोड द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी अब उसके बाद जब उन्होंने रात भर काम किया और दोनों ग्रेट माइंड जो है साथ में मिलकर के इतनी अच्छी एक इतनी बेहतरीन और एक इतनी आप कह सकते हो कि बायोलॉजी साइंस को बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन और एक नया रूप देने वाली थ्योरी को वो डेवलप डिस्कवर डिस्कवर कर चुके थे सो so, क्या हुआ अब यही डिस्कवरी जो है इसी डिस्कवरी को उन्होंने क्या करा उन्होंने मिल करके पेपर में लिखा जो कि क्या हुआ था जिसके अंदर उन्होंने इस थ्योरी के बारे में बात की थी याद है हमने स्टार्टिंग में लेक्चर नंबर वन में स्टार्टिंग में इस चैप्टर के हमने पढ़ा था कि इन्होंने कॉलेज टाइम पे एक ऐसी डिस्कवरी की थी सेल की डिस्कवरी की थी जो कहा आई थी जो छपी थी एक एक जर्नल में है ना साइंस जर्नल में सो so, इन्हों ने इनके रूममेट है ना जेम्स आर वोंग और ई e. ब्राइट ने मिल करके ये डिस्कवरी डिस्कवरी तो उन्होंने की थी मिलकर दोनों ने साथ में क्या किया दोनों ने साथ में एक पेपर लिखा था ठीक है और उस पेपर के अंदर उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया था इस थ्योरी को और वही जो है वही आगे जाकर के पब्लिश हुआ था सो सरप्राइजिंगली सरप्राइजिंग नो वन न्यू हिम रिचर्ड ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाइस्ट ऑनर्स सेकेंड इन क्लास ऑफ फिफ्टीन टेन सो वो बोल रहे हैं कि सरप्राइजिंगली है ना जिस e. Bright को कोई नहीं जानता था उसने क्या कर दिखाया उसने हार्वर्ड में वो हाइएस्ट नंबरों से ग्रेजुएट हुए और वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड टेन स्टूडेंट्स की क्लास में वो सेकेंड आए थे E. Bright went on to became uh, become a graduate student researcher at Harvard Medical School. और आगे जा करके E. Bright क्या बन गए वो एक researcher बन गए थे Harvard Medical School में There he began doing experiments to test his theory. और वहाँ पर जा करके उन्होंने experiments को करना चालू करा ताकि वो अपनी theory को test कर सकें ठीक है If the theory proves correct, it will be बिग स्टेप टू वर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ और अगर ये थ्योरी जो उन्होंने बनाई थी जो उन्होंने डिस्कवर की थी अगर ये थ्योरी प्रूव हो जाती है अगर आप उसके ऊपर प्रैक्टिकल टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स रन करते हो और ये सच साबित हो जाता है कि जो आप सोच रहे हो जो आपने अनुमान लगाया है जो आपने डिस्कवर किया है वो एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल है है ना तो अगर ये पता चल जाता है तो आप प्रोसेस ऑफ लाइफ ये जीवन का ये जो हमारी लाइफ चल रही ना इसका जो प्रोसेस है इसका पूरा खुलासा हो जाएगा वो सारी चीज़ें हम समझ पाएंगे

वेरी इंटेलिजेंट या उनका दिमाग जो है वो अलग ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी था बिकॉज उनके अंदर वो कीड़ा था वो होता है ना जानने का कीड़ा क्यूरियोसिटी कि ये ऐसा क्यों है ऐसा क्यों है मुझे हर एक चीज का आंसर चाहिए जो चीज मुझे फीड कर दी गई है कि ऐसा है उसको मान नहीं लिया बल्कि उस पर सवाल किया कि ऐसा है तो क्यों है और वही जो क्यूरियोसिटी होती है ना टू फाइंड आंसर उसी की वजह से क्या हो पाया उसी की वजह से यह सब कुछ पॉसिबल हो पाया सो हिज हिज हाई स्कूल रिसर्च इन टू द पर्पज ऑफ द स्पॉर्ट्स ऑन मोनाक प्यपा लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट लाइफ सेल्स उनकी जो हाई स्कूल में हाई स्कूल में की गई जो रिसर्च थी कि प्यूपा के ऊपर वो स्पॉट्स क्यों होते हैं वो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं लेकर के कहाँ पे आ गई उनको कि उन्होंने थ्योरी पूरी की पूरी डिस्कवर कर दी थी सेल्स की लाइफ के बारे में रिचर्ड ई ब्राइट हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाईज और मतलब वो अब बता रहे हैं कि रिचर्ड ई ब्राइट का साइंस में तभी से इंटरेस्ट था जब से उन्होंने बच्चे थे और वो बटरफ्लाइज कलेक्ट किया करते थे बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज एन टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट बट वो कह रहे हैं साइंस में इंटरेस्ट था बच्चे थे तब से उनको साइंस में इंटरेस्ट था बट इतना भी इंटरेस्ट नहीं था कि जिंदगी में साइंस के अलावा वो कुछ नहीं करते थे उनको और कोई चीज़ नहीं पसंद थी है ना सो ई ब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैंपियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड कैनोविस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन सो वो बोल रहे हैं कि इतना मतलब था इंटरेस्ट था साइंस में इतना भी नहीं कि और में कुछ नहीं करने को वो एक बहुत स्पीकर पब्लिक के सामने खड़े होकर के बोलना अपने आप में एक आर्ट होता है हर कोई नहीं कर पाता है वो उसमें भी एक्सपर्ट थे केनोविस्ट, केनोविस्ट क्या होता है कि एक इंसान जो बोर्ड जो है वो चलाते हैं पतली सी लंबी सी नुकीली सी बोट होती है जिसके उसमें बहुत अच्छे पकड़ उसमें बहुत अच्छी होती है स्किल्स होते हैं उसे हम केनोविस्ट बोलते हैं एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन यानी कि सिर्फ बैठ करके किताबों में घुसे रहने वाले इंसान नहीं थे वो साइंटिस्ट थे बट ऐसे साइंटिस्ट नहीं थे कि साइंस के अलावा कोई चीज़ में दिलचस्पी नहीं है उन्हें बाहर की दुनिया में आउटडोर एक्टिविटीज़ में बहुत इंटरेस्ट था ठीक है ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर वो एक बहुत ही एक्सपर्ट फोटोग्राफर है पिक्चर्स बहुत अच्छी क्लिक करते हैं पर्टिकुलरली खास तौर पर नेचर की एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स की इन हाई स्कूल रिचर्ड ई ब्राइट वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट और हाई स्कूल में भी वो मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट्स में स्ट्रेट ए स्टूडेंट थे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे यानी कि आप देख रहे हो ऑलराउंडर हर एक फील्ड में फोटोग्राफर वो अच्छे थे पब्लिक स्पीकर वो अच्छे थे साइंटिस्ट तो बन ही सो हर एक चीज में क्या थे ए वन बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी ही टर्न अट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड्स डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब अच्छा ये एम यू एन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये एक बच्चे की लाइफ में ना बचपन से ही इंडिया में भी चलते हैं बहुत सारे एम यू एन्स ठीक है एम यू एन के सेशन बच्चे की लाइफ में अगर स्टार्टिंग से वो इंटरेस्ट लेने लग जाए तो क्या हो जाता है पब्लिक स्पीकिंग और इन सब ना बहुत से स्किल्स और क्वालिटीज़ डेवलप कर पाता है सो so, वो वो बता रहे हैं कि देखो बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी सीखना बहुत आसान है ही टर्न लॉट ऑफ हिज एनर्जी टू वर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब तो उन्होंने अपनी बहुत सारी एनर्जी अपार्ट फ्रॉम साइंस डिबेट डिबेट सेक्शन में और मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब में भी स्पेंड की थी he also found someone to admire, Richard A. Weir. अब वो कह रहे हैं कि उनको अपनी लाइफ में एक और इंसान मिला था जिसको वो एडमायर करते थे जिसको वो आ, आप कह सकते हो कि लुकअप करते थे कि भाई हाँ ये मेरी लाइफ में इंसान है एंड आई लुक अप टू हिम ठीक है सोशल स्टडीज टीचर ये कौन थे मिस्टर रिचर्ड ये इनके सोशल स्टडीज के टीचर थे एसएसटी पढ़ाते थे एडवाइजर टू बोथ क्लब्स और उनका क्या काम था वो डिबेट क्लब में और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब दोनों में ही एडवाइजर थे और हमारे रिचर्ड ई ब्राइट को इन दोनों क्लब्स में दिलचस्पी थी तो वहां से उनका मुलाकात हुई थी रिचर्ड ए वेरर से और वहां से वो क्या करने लग गए उनको लुकअप करने लग गए ठीक है उनकी काफी रिस्पेक्ट करते थे उनको काफी एडमायर करते थे अपनी लाइफ में मतलब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्सन जो थे वो ये भी थे ठीक है मिस्टर वेरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन वो कह रहे हैं कि भाई मेरे एस एस के टीचर मिस्टर वेरर जो हैं वो मेरे लिए परफेक्ट इंसान थे मेरे को बहुत पसंद थे ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज ई ब्राइट और ई e. ब्राइट ने कहा कि उन्होंने मेरा दिमाग नई नई आइडियाज पे क्या करा ओपन किया यानी कि उन्होंने एक नया नजरिया दिया इनको रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट मिस्टर वेरर सेड अब वो जो है उनके टीचर वो खुद भी कह रहे हैं कि जो रिचर्ड ई ब्राइट हैं वो हमेशा हर एक चीज में एक्स्ट्रा एफर्ट करते थे हम लोग कर देना जैसे कि ये एक्स्ट्रा एफोर्ट ना हमें उनकी लाइफ में यहीं पर देखने को मिला कि साइंस फेयर में वो हार गए तो इंस्टेड ऑफ क्राइंग सिटिंग एंड क्राइंग इन दी कॉर्नर कि भाई मेरे साथ तो गलत हुआ ये तो नहीं होना चाहिए था सब जीत गए नाराज होना ना जो टैंट्रम्स बच्चे थ्रो करते हैं उन्होंने क्या करा उन्होंने दिमाग लगाया उन्होंने एनालाइज किया किया कि ये हुआ क्या 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 है मैंने मेरी तरफ से क्या कमी रह गई दूसरे बच्चों ने ऐसा क्या किया जो उनको प्राइज मिला वहीं से हमें समझ में आता है कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालते थे चीजों में चीजों को समझने का एफर्ट और समझ करके उन उनपे काम करने का एफर्ट उन्हें समझ में आ गया था बचपन में कि रियल एक्सपेरिमेंट चाहिए भाई मैंने तो एक स्लाइड दिखा दी इससे कुछ नहीं होगा है ना सो वो एक्स्ट्रा एफर्ट वही उनके असिस्टी टीचर भी बता रहे हैं कि वो हमेशा से मारते थे what pleased me was here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research beside doing all his research with butterflies and his other interests अब वो उनके टीचर कह रहे हैं कि मेरे को सबसे ज्यादा खास बात इस बच्चे की ये लगती थी कि वो रात के दो तीन घंटे केवल डिबेट के ऊपर रिसर्च करता था साथ ही साथ उसकी बाकी रिसर्च चलती रहती थी बटरफ्लाईज को लेकर के और उसके बाकी काम भी चलते रहते थे बाकी इंटरेस्ट क्या थे उनकी लाइफ में उनकी लाइफ में जो बाकी इंटरेस्ट थे कि कैसे भाई आ, डिबेट पब्लिक स्पीकिंग कैनोइंग फोटोग्राफर वो सारी चीजें उनको लाइफ में पसंद थी उसके साथ साथ वो बटरफ्लाइज पर रिसर्च करते थे और रात को तीन चार घंटा निकाल करके डिबेट रिसर्च भी किया करते थे तो देख रहे हो टाइम यूटिलाइजेशन पूरा पूरा है ना बैड सेंस वो एक कॉम्पिटेटिव नेचर के इंसान थे अब कॉम्पिटेटिव नेचर ना दो तरीके का होता है कि एक तो इंसान क्या कर जाता है एक तो इंसान करता है दूसरों को हराने के लिए कॉम्पिटिशन में कि ये मेरे से कैसे जीत गया मुझे इससे हराना है मुझे प्राइज चाहिए नहीं एक कॉम्पिटिशन होता है अपने आप से कि मुझे पता है कि मैंने अगर इतना अचीव कर लिया मैं और ज्यादा अच्छा कर सकता हूं तो आप अपने आप से कॉम्पिटिशन में हो और एक गुड कॉम्पिटिशन है कि आप अपनी आ, सबसे बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख रहे हो आप चीजों में अपने आप से कंपीट कर रहे हो आप अपने आप को ही देख रहे हो कि भाई मैं अगर कल ऐसा था तो आज मुझे और बेहतर करना है और बेहतर करना है और ये ग्रोथ होती है जो दूसरा कॉम्पिटिटिव बिहेवियर होता है वो ये होता है कि इसने ऐसा किया मैं इससे आगे निकल जाऊं इसको पीछे हरा दूं प्राइज मिल जाए वो इनमें नहीं था वो वाला बिहेवियर इनका नहीं था है ना बट नथिंग इन अ बैड सेंस ही बैड्लेन रिचर्ड वॉज इंटरेस्टेड इन विनिंग विनिंग फॉर सेक वो जीतने में इसलिए इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि जीतना है क्योंकि सबको हराना है मुझे जीतना है मैं नंबर वन इस वजह से नहीं है ना फॉर और विनिंग टू गेट अ प्राइज या फिर इस वजह से भी नहीं कि भाई उन्हें प्राइस जीतना उनका कॉम्पिटिशन उनके साथ था कि मुझे पता है मैं और बेहतर कर सकता हूं मुझे पहले से और बेहतर करना है मैं ग्रो करूंगा इस चीज में बेस्ट जॉब ही could. तो वो बल्कि क्या करना चाहते थे वो जीतना चाहते थे क्योंकि वो चाहते थे कि वो सबसे अच्छा करें अपनी लाइफ में वो अपने आप से अच्छा करें वो जितना अच्छा काम कर सकते हैं उतना अच्छा करके काम नहीं ठीक है फॉर द राइट रीजन ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट और वो कह रहे हैं कि उनको बेस्ट बनना भी था राइट रीजन के लिए कि भाई अगर मैं हूं तो मैं अपनी सबसे अच्छी क्वालिटी क्यों नहीं ढूंढता दूसरों को हटाने से दूसरों से कॉम्पिटिशन करने से बेहतर है कि अपने आप से किया जाए अगर आज मैंने इतना किया तो कल मुझे और अच्छा बेहतर करना है अपने आप को ग्रो करवाना है अपने आप को पॉलिश करना है हर एक चीज में एंड दैट इज वन ऑफ द इनग्रीडियंट इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट और यही एक इंग्रीडियंट है यही क्या है एक साइंटिस्ट के बनने में सबसे जरूरी जो चीज़ है वो यही है है ना क्या कि आप दूसरों से नहीं आप अपने आप से कॉम्पिटिशन में हो कि भाई कल अगर मैं ऐसा था अगर मैं इंग्लिश में या मैं मैथ्स में हंड्रेड में से सेवेंटी फाइव ला सकता हूँ अब मुझे हंड्रेड लाना है मुझे नहीं पता बाकी लोग क्या कर रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ मुझे बेस्ट करना है सो so, ये एक बहुत ही बड़ा इन्ग्रीडियंट है जो कि एक साइंटिस्ट को बनाता है स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड एक फर्स्ट रेट माइंड के साथ शुरू करो एट क्यूरियोसिटी है ना मतलब कि अच्छे खासे दिमाग के साथ शुरू करो उसके अंदर क्यूरियोसिटी डाल दो कि हर एक चीज को लेकर के आप क्या हो अब बहुत क्यूरियस हो चीजों को जानना है हमें प्रेजेंट कर दी गई है लाइफ में कि इट इज लाइक दिस सो हम उसे वैसा एक्सेप्ट नहीं करते है. हमें जानना है कि ये ऐसा क्यों है क्यूरियोसिटी ठीक है एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन वो कह रहे हैं अब इसी के साथ आपको जीतने की इच्छा भी अपने अंदर लानी पड़ेगी सही चीजों के लिए ठीक है ई ब्राइट हैज दीज क्वालिटीज और यही जो है यही चीजें मिलाकर के बनाती हैं एक साइंटिस्ट को और ई e ब्राइट के अंदर ये क्वालिटीज हैं फ्रॉम द टाइम द एक्स वो वाली जो बुक थी फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ एक्स जिस समय से उनको ये वाली बुक मिली थी द ट्रेवल्स ऑफ एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम रिचर्ड ई ब्राइट हैज नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियासिटी जिस दिन से उनको ये बुक मिली थी हम बोल रहे ना लाइफ में उनकी टर्निंग पॉइंट था ये बुक जिस दिन से उनको ये बुक मिली थी उस बुक ने एक नई दुनिया खोल दी थी उनके लिए साइंस की और उस दिन से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो क्यूरियोसिटी वो जानने की चीज़ें को जानने की जो अंदर से क्यूरियासिटी है वो कभी नहीं गई So, ये है हमारा चैप्टर जिसके अंदर हमें बताया गया है कि क्या चीज से एक साइंटिस्ट बनता है साइंटिस्ट कैसे पैदा होते हैं भाई होते हमारी जैसे बस सोचते और नजरिया उनका अलग होता है ऐसे ही साइंटिस्ट बनते हैं सो आई होप आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा क्लास अच्छी लगी होगी इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है खत्म सो so, ये आज का लास्ट सेशन था क्लास का नहीं चैप्टर का चैप्टर खत्म हुआ है क्लास चलती रहेगी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे ठीक है तो इस चैप्टर को यह मत समझना आई नो थोड़ा सा स्लो है थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बातें की गई है इंसान के बारे में इस हर किसी को नहीं एक्साइट करता बट एग्जाम्स के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है ठीक है मार्क्स आएंगे हम एक भी नंबर का क्या है रिस्क नहीं लेकर चल सकते अगर एक भी क्वेश्चन आता है वन मार्क्स का भी आता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस हंड्रेड ऐसे ही बनेगा है ना सो टॉपर के इंग्रेडिएंट्स क्या है यही है टॉपर के इंग्रेडिएंट्स साइंटिस्ट के इंग्रेडिएंट्स हमने पढ़ लिया साइंटिस्ट कैसे बनता है मेकिंग ऑफ अ टॉपर टॉपर कैसे बनते हैं ऐसे ही बनते हैं हर एक चीज इंपॉर्टेंट है है हाँ ना हर एक चीज को करना है सो so, आप लेक्चर एंड इसके हो चुके हैं उनमें से एक लेक्चर लेक्चर नंबर में मैंने लेक्ट करवाया था इससे रिलेटेड हमने किए थे ये पूरा आपका ये चैप्टर आज इस क्लास में होता है खत्म अगली क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ आप लोग इसकी तैयारी करिएगा मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में लाइव चैट नहीं कॉमेंट सेक्शन में कि आपको क्लास कैसी लगी सब कुछ आया समझ में कि नहीं ठीक है चलो सो आप मिलेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड थैंक यू सो मच